नमस्ते बच्चों, खशाला बुनियादी शिक्षण विभाग की YouTube चैनल में मैं मकवाना दर्शना आप सबका कक्षा 5 में स्वागत करती हूँ। इकाई 8 भरत मिलाप। सबसे पहले बच्चों, मैं आप सबको इस पाठ का परिचय दे देती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। इस पाठ में रामायण के एक अंश को लिया गया है। आप सब ने रामायण कई बार टीवी पर या तो फिर आपके दादा दादी के पास से सुनी होगी, है ना? तो इस पाठ में रामायण का एक अंश लिया गया है जिसमें माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण वन में वास कर रहे हैं। इस बात का पता जब भरत को चलता है तो वह राम से मिलने अयोध्या का सिंहासन छोड़ वन में जाते हैं। यहाँ पर भरत कौन है तो बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि राम, जो राम भगवान थे, उनके 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो जो भरत है वह राम का छोटा भाई है। वह वन में जाते हैं, राम को वापस आने के लिए विनती करते हैं, परंतु राम माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वापस आना नहीं चाहते। तब भरत राम के खड़ाव लेकर वापस लौटते हैं। यहाँ पर एक नया शब्द है आपके लिए, खड़ाव, यानी कि चरण या तो चप्पल जो लकड़ी की बनी होती है उसे खड़ाव कहते हैं, और सिंहासन पर उसी खड़ाव को रखकर सेवक की तरह राजकाज करते हैं। इस प्रकार इस एकांकी में भाई भाई के परस्पर प्रेम की ऊंचाई को दिखाया गया है। भरत मिलाप। बच्चों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो इकाई है इसका साहित्य प्रकार एकांकी है। इसमें राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और एक नागरिक का पात्र है, वह हम इकाई में आगे देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आप सबको इस इकाई का हिंदी वाचन करके सुनाती हूँ, आप सबको ध्यान से सुनना है। फिर हम इस इकाई का गुजराती अनुवाद करेंगे, ठीक है? पाठ की शुरुआत करते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाव रखकर उन्होंने सेवक की भ्रांति राजकाज किया। इसीलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। यहाँ पर हमारे लिए नया शब्द था खड़ाव, उसका अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था कि खड़ाव यानी कि लकड़ी की चप्पल, ठीक है? यहाँ पर आपको इस इकाई में 2 दृश्य दिए गए हैं, दृश्य 1 और दृश्य 2। सबसे पहले दृश्य 1 में कौन सी स्थिति है यह आपको यहाँ पर दिया गया है। तो वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं, पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं, यह है दृश्य 1 की स्थिति। उसके बाद हम आगे दृश्य 1 देखें तो राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर कहते हैं, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम कहते हैं, कौन लोग हैं जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर कहते हैं, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर कहता है, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता कहती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण कहता है, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारा दृश्य 1। उसके बाद दृश्य 2। तो बच्चों, दृश्य 2 में कौन सी स्थिति है वह आपको यहाँ पर बताया गया है। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं, यह है दृश्य 2 की स्थिति। तब भरत रोते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए।
मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। तब राम भगवान भरत को कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तभी एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तब राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत कुछ सोच कर कहता है, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो। बच्चों, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि भरत है, वह भगवान राम की खड़ाऊ मांगता है। अब वहाँ से आगे हम देखें तो भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। राम कहते हैं, खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे। तभी भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। आप आगे देखें तो भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बुलाते हुए विदा होते हैं। यहाँ पर दृश्य 2 पूर्ण होता है। फिर आगे आपको कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, उसके पर हम एक बार नज़र कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला शब्दार्थ है कुटिया, यानी कि झोपड़ी, शायद यानी कि कदाचित, शक यानी कि शंका, निकट यानी कि नज़दीक, चरण तो पैर, दोष यानी अपराध, कर्तव्य यानी फर्ज, आदेश यानी हुक्म या तो आज्ञा, खड़ाव तो लकड़ी की बनी पादुका या तो चरण, या तो हम उसे चप्पल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कई शब्दार्थ। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे यानी कि जिसे हम गुजराती में रूढ़ी प्रयोग कहते हैं, ठीक है। तो पहला मुहावरा है उत्तेजित होना, यानी कि गुस्सा होना, गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना, गदगद होना यानी पुलकित होना या तो आनंदित होना। तो यह था हमारा मुहावरा। बच्चों, अब मैं आप सबको इस इकाई का गुजराती अनुवाद करके सुनाती हूँ। आप सबको ध्यान से सुनना है और समझना भी है, ठीक है। सबसे पहले दृश्य 1 की जो स्थिति है वह क्या है वह मैं आप सबको बताती हूँ। वन का एक भाग, इतले के वर्णों एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं, इतले के झूपड़ी नी बाहर राम अने सीता बैठा छे, पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं, पासे लक्ष्मण धनुष अने बाण लेने उभा छे। इतले के अहिया पहला दृश्य नी स्थिति शू छे एना विषे आपने कह्यु छे, तो के वनो एक भाग छे, झूपड़ी नी बहार राम अने सीता बैठा छे अने तेनी पासे लक्ष्मण धनुष अने बाण लेने उभा छे। दृश्य 1, राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतले के राम लक्ष्मण ने कहे छे, भाई लक्ष्मण जरा जुओ तो आ आवाज़ क्यांथी आवी रह्यो छे। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, इतले के लक्ष्मण आम तेम जोईने कहे छे, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। इतले के प्रभु सामे थी केटलाक लोगो आवता देखाय छे। राम कहते हैं, कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। राम कहे छे, कौन लोको छे जरा ध्यान थी जुओ। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, लक्ष्मण ध्यान थी जोईने कहे छे, अरे यह तो भरत है। इतले के अरे आ तो भरत छे, साथी बहुत से लोग है, इतले के साथे घना बधा लोको छे, हमें सावधान हो जाना चाहिए, इतले के आपने सावधान थई जवू जोईए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं,
कदाच ए लोको लड़वा आवी रह्या छे। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम हंसीने लक्ष्मण ने कहे छे कि भाई लक्ष्मण तू तो विना कारणे शंका करवा लागे छे, आटला वर्षों साथे रहीने पण भरतने ना ओळखी शक्यो। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, એટલે કે લક્ષ્મણ ઉત્તેજિત થઈને કહે છે, પહેચાના ક્યો નહીં, ઉસી માં કા તો બેટા હૈ જિસને વનવાસ દિલાયા, એટલે કે ઓળખી કેમ ના શકું, એ જ માનો દીકરો છે જેને વનવાસ અપાવ્યો। ત્યારે સીતા કહેતી હે ઇસમેં બિચારે ભરત કા ક્યા દોષ, એટલે કે સીતા કહે છે એમાં બિચારા ભરતનો શો દોષ। લક્ષ્મણ લીજીએ સબ લોગ ઇધર હી આ રહે હૈ, એટલે કે લક્ષ્મણ કહે છે લ્યો બધા લોકો અહીં જ આવી રહ્યા છે। અબ વહાં સે આગે દ્રશ્ય દો, સબસે પહેલે દ્રશ્ય દો કી સ્થિતિ ક્યા હૈ વહ હમ દેખ લેતે હૈ। ભરત દોડતે હુએ કુટિયા કે નિકટ આતે હૈ, એટલે કે ભરત દોડતા દોડતા ઝૂંપડીની નજીક આવે છે। ઉનકી આંખો સે આંસુ બહે રહે હૈ, એટલે કે એમની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા છે। વે રામ કે ચરણો મેં પડતે હૈ, એટલે કે તેઓ રામના પગમાં પડે છે। રામ ભરત કો ઉઠાકર ગલે લગા લેતે હૈ, એટલે કે રામ ભરતને ઊભા કરીને ભેટી પડે છે। એટલે કે અહીંયા દ્રશ્ય બેની સ્થિતિ શું છે, તો કે ભરત દોડતા દોડતા ઝૂંપડીની નજીક આવે છે, એમની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા છે, તેઓ રામના પગમાં પડે છે, રામ ભરતને ઊભા કરીને ભેટી પડે છે। આ છે દ્રશ્ય બેની સ્થિતિ। અબ વહાં સે આગે ભરત રોતે હુએ, એટલે કે ભરત રડતા રડતા કહે છે મુજે માફ કીજીએ પ્રભુ, મને માફ કરો પ્રભુ, આપકો વનવાસ દિલાને મેં મેરા કોઈ હાથ નહીં, એટલે કે તમને વનવાસ અપાવવામાં મારો કોઈ હાથ નથી, આપ મુજસે બડે હૈ, એટલે કે આપ મારાથી મોટા છો, આપ હી કો રાજા બનના ચાહીએ, એટલે કે તમારે જ રાજા બનવું જોઈએ, મેં આપકો લેને આયા હું તમને લેવા આવ્યો છું, આપ સબ અયોધ્યા ચલીએ, તમે બધા અયોધ્યા ચાલો, ઈ નગરવાસીઓ કી ભી યહી ઈચ્છા હૈ, નિરાશ ન કીજીએ પ્રભુ, એટલે કે આ નગરજનોની પણ આ જ ઈચ્છા છે, નિરાશ ન કરો પ્રભુ। તભી રામ કહેતે હે ભાઈ ભરત મેં તુમ્હારા પ્રેમ દેખકર પ્રસન્ન હું, એટલે કે ત્યારે રામ ભરતને કહે છે કે ભાઈ ભરત હું તારા પ્રેમને જોઈને પ્રસન્ન છું, પ્રસન્ન છું એટલે કે ખુશ છું, કિંતુ મેં માતા પિતા કી આજ્ઞા કા પાલન કરને વન મેં આયા હું, એટલે કે પરંતુ હું માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા વનમાં આવ્યો છું, વનવાસ પૂરા કરકે હી લોટુંગા, એટલે કે વનવાસ પૂર્ણ કરીને જ પાછો ફરીશ। તભી એક નાગરિક રામ કો કહેતા હૈ નહીં પ્રભુ આપકો હમારે સાથ ચલના હી હોગા, એટલે કે ત્યારે એક નાગરિક રામ ભગવાનને કહે છે કે નહીં પ્રભુ તમારે અમારી સાથે ચાલવું જ પડશે, આપકે બિના પ્રજા દુઃખી હૈ, એટલે કે તમારા વગર પ્રજા દુઃખી છે, પ્રજા કો સુખી રખના રાજા કા કર્તવ્ય હૈ, એટલે કે પ્રજાને સુખી અથવા તો ખુશ રાખવા એ રાજાનું કર્તવ્ય છે। તભી રામ કહેતે હૈ નગરજનો ઇસ સમય માતા પિતા કી આજ્ઞા કા પાલન કરના મેરા સબસે બડા કર્તવ્ય હૈ, એટલે કે ત્યારે રામ નગરવાસીઓને કહે છે કે નગરજનો આ સમયે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મારું સૌથી મોટું કર્તવ્ય છે, ભરત મેરા ભાઈ હૈ, એટલે કે ભરત મારો ભાઈ છે, જબ તક મેં વનવાસ પૂરા કરકે ન લોટું તબ તક ભાઈ ભરત આપ સબકે સુખ દુઃખ કા ધ્યાન રખેગા, એટલે કે જ્યાં સુધી હું વનવાસ પૂર્ણ કરીને પાછો ન ફરું ત્યાં સુધી ભાઈ ભરત તમારા સૌના સુખ દુઃખનું ધ્યાન રાખશે, આપ ઉસે રાજા માને યહ મેરા આદેશ હૈ, એટલે કે તમે એને રાજા માનો એ મારો આદેશ છે, એવું રામ ભગવાન નગરજનોને કહે છે। ભરત કુછ સોચકર, એટલે કે ભરત કંઈક વિચારીને કહે છે અચ્છા પ્રભુ જેસી આપકી આજ્ઞા, એટલે કે સારું જેવી તમારી આજ્ઞા, પર મેરી એક બિનતી હૈ ઉસે સ્વીકાર કરે, એટલે કે ભરત રામ ભગવાનને કહે છે કે પણ મારી એક વિનંતી છે તેનો સ્વીકાર કરો। રામ કહેતે બોલો ક્યાં ચાહતે હો, એટલે કે રામ કહે છે બોલો શું ઈચ્છો છો। ત
तभी भरत कहता है, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाओ दे दे। इतले के भरत कहे छे, तमे तमारी चरण पादुका आपी दो। इतले के भगवान रामे जे लाकड़ाना बनेला चप्पल पहेर्या हता ए भरत एमनी पासे मांगे छे। राम कहते हैं, खड़ाओ खड़ाओ का क्या करोगे? इतले के राम पूछे छे, चरण पादुका एनु तू शू करीश? भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। इतले के भरत कहे छे, इन्हें सिंहासन ऊपर मुकी तमारा पाछा फरता सुधी सेवकनी जेम राजकाज करीश। इतले के भरत अहियाँ एवं कहे छे कि तमे पाछा नहीं फरो त्या सुधी हूँ राजगादी पर बेसीश नहीं, परंतु त्या तमारी जे चरण पादुका छे मुकीने एक सेवकनी जेमज हूँ सेवा करीश। अब वहाँ से आगे भरत का प्रेम देखकर राम सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। इतले के भरत नो प्रेम जोईने राम सीता अने लक्ष्मण गदगद थी जाए छे, इतले के खुश थी जाए छे। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। इतले के राम भगवान आगल वधीने भरत ने भेटे छे। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। इतले के चरण पादुका लेने भरत अने नगरवासीओ राम अने भरतनी जय बोलता विदाई ले छे। तो बच्चों, ये था हमारे इकाई का गुजराती अनुवाद। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से यह इकाई समझ में आ गई होगी। अब इस इकाई का अभ्यास और स्वाध्याय हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।